नमस्कार दोस्तों, अभी अभी मिली मौसम की जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के इन जिलों में भारी से भारी बारिश होने की संभावना। दोस्तों अगर आप मध्य प्रदेश में कहीं पर भी रहते ना तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। आपको एक एक करके मध्य प्रदेश के सभी जिलों की मौसम की जानकारी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना, बीच में छोड़कर बिल्कुल भी मत जाना। वही दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, इस चैनल को लाल वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में घंटे के आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। और दोस्तों हमें नीचे कमेंट करके बताइए कि आप मध्य प्रदेश के कौन से जिले गांव में शहर में रहते, यानी कि आप कहां पर रहते, कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों अभी भी मिली मौसम की जानकारी के मुताबिक माने तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आ रही निम्न हवाओं के कारण वातावरण में नमी बढ़ने लगी है और वर्तमान में मध्य प्रदेश के कई क्षेत्र, मध्य क्षेत्र जैसे कि उत्तरी भाग में भी ऊपरी हवाएं का जो है चक्रवात एक तरफ रेखा असम तक जो है, दूसरी तरफ रेखा जो है विदर्भ के साथ एक नया पश्चिम विक्षोभ पाकिस्तान पर सक्रिय है, जिसके कारण लगातार वातावरण में नमी आ रही है और बारिश से जो है आसार बन रहे हैं। और बताया जा रहा है कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 24 घंटों में जो है ना मध्य प्रदेश के जबलपुर, रीवा, शहडोल, ग्वालियर एंड चंबल संभाग के कई जिलों में तथा छतरपुर, सागर, साजापुर, दमोह, शिवपुरी, विदिशा, आगरा, दतिया, बैतूल, नर्मदापुरम, होशंगाबाद जिले में बौछारें पड़ सकती है। वहीं भोपाल संभाग के जिलों में कई जगहों पर भारी बारिश का अनुमान है। भारतीय मौसम विभाग की माने तो अन्य राज्यों का हाल जाने तो दोस्तों आपको बता दूं, देश के कई राज्यों में जो है भारी से भारी मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है और अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश में 3 दिनों के दौरान भारी मौसम में हलचल देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, कई जगहों पर गरज चमक के साथ भारी बारिश भी होने लगी है, इससे दिन के तापमान में भारी गिरावट आने लग गई है। दोस्तों आपके यहाँ पर बारिश हो रही है नहीं, अगर हो रही है तो आप कौन से जिले या कौन से गाँव में रहते हैं कमेंट करके जरूर बताना। रीवा में 2.0, दमोह में 1.0 mm बारिश दर्ज की गई, छिंदवाड़ा, भोपाल, ग्वालियर में भारी बूंदाबूंदी हुई है और भोपाल में गरज चमक के साथ भारी बरसात होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक बताया जा रहा है कि भोपाल का अधिकतम तापमान 40.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, अधिकतम तापमान 41.8 डिग्री सेल्सियस के मुकाबले 0.9 डिग्री कम रहा और वहीं दोस्तों शहर का न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग की माने तो दोस्तों जबलपुर में, रीवा में, शहडोल में, ग्वालियर में एवं चंबल संभाग के जिलों में तथा छतरपुर, पन्ना, दमोह, धार, उज्जैन, बैतूल, नर्मदापुरम के जिलों में बौछारें पड़ने के अनुमान है और भारतीय मौसम विभाग की माने तो काफी ज्यादा जगहों पर मध्य प्रदेश में मौसम बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश तो कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने के अनुमान जताए जा रहे हैं। और दोस्तों अगले 2 से 4 दिनों के दौरान मौसम विभाग के मुताबिक मिली जानकारी के मुताबिक जो है ना जबलपुर, रीवा, शहडोल, ग्वालियर एंड चंबल संभाग के जिलों में तथा छतरपुर, पन्ना, दमोह, धार, उज्जैन, बैतूल और साथ में जो है कई जगहों पर बौछारें पड़ने के जो है भारी अनुमान जताए जा रहे हैं। और बताया जा रहा है कि दोस्तों अगले 2 से 4 दिनों के दौरान जो है ज्यादातर हिस्सों में जो है मध्य प्रदेश के पूर्वी और जो है पश्चिमी हिस्सों में काफी ज्यादा मौसम बदलता नजर आ रहा है। मौसम विभाग के आने वाले 1 से 2 दिनों में खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी, बैतूल जिलों में गरज चमक के साथ तेज हवाएं और बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक एक चक्रवात के साथ 2 द्रोणिकाएं जो है बनने के चलते मौसम में जो है बिगड़ सकता है और अगले 3 से 4 दिनों के दौरान कई राज्यों में जो है मौसम की स्थिति ऐसे ही देखने को मिलने वाली है, जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। वहीं दूसरी ओर मौसम विभाग ने जो है रात भरी खबर दी है, देश भर में मानसून जो है अब जो है बहुत ही जल्द केरल के तट पर दस्तक देगा। मौसम विभाग ने IMD के मुताबिक दोस्तों जानकारी दी है कि कई जगहों पर जो है मानसून इस बार सामान्य समय पर आ रहा है और बताया जा रहा है कि देश में अच्छी बारिश के संकेत है। 75% बारिश दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण होती है, जो कि इस बार लगभग जो है 90 के ऊपर रहेगी। वही मध्य प्रदेश में मानसून के तय सीमा पर आने का अनुमान है। इसके पहले दोस्तों बताया जा रहा है कि कई जगहों पर जो है भारी बारिश हो जाएगी और बताया जा रहा है कि 2 से 4 दिनों के दौरान ही जो है मध्य प्रदेश में मौसम ठंडा सुहावना होने के अनुमान है। इससे राजधानी सहित पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में लगातार दूसरे दिन अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी देखी गई थी, लेकिन दोस्तों अब राहत भी मिली है और मौसम विभाग के मुताबिक दोस्तों जो है कई जगहों पर मौसम का मिजाज बदलेगा। इसी दौरान दोस्तों जबलपुर, शहडोल, होशंगाबाद, सागर, भोपाल संभाग के जिलों में भारी बादल छाए रहने और भारी बारिश के अनुमान है। इसी दौरान कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती है। मौसम की मिली जानकारी के मुताबिक दोस्तों जो बताया जा रहा है कि राजधानी में अधिकतम तापमान 41.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है, जो कि सामान्य से 1 डिग्री अधिक रहा। वहीं दोस्तों मध्य प्रदेश के कई ऐसे भी शहर है जो देश में टॉप पर गर्म देखने को मिल रहे। पूरे मध्य प्रदेश में लगातार मौसम बदल रहा है और 2 दिन की राहत के बाद मध्य प्रदेश में गर्मी की तीखर जो है तेवर फिर से हो भी सकते हैं और खरगोन में देश में सबसे ज्यादा गर्मी रहा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अधिकतम तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया।
यही नहीं, देश के टॉप 10 में मध्य प्रदेश के शहरों में जो है मध्य प्रदेश के 6 शहर शामिल है। इन शहरों में तापमान जो है 42-43 डिग्री के बीच देखा गया। मौसम विभाग की माने तो सहार नेपताया कि मौसम शुष्क होने के कारण जो है गर्म हवाओं का प्रभाव बढ़ा और इसके कारण तापमान में तेजी आई और मध्य प्रदेश में जो है फिर से जो है 3-4 दिन में मौसम का मिजाज बदल गया है। बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ है जिसके असर के चलते बादल और बूंदाबूंदी की स्थिति बन रही है। और दोस्तों टॉप शहरों में जो 6 शहर जो है रिकॉर्ड किए गए सबसे गर्म वो है खरगोन 43.5 डिग्री सेल्सियस, और दूसरे नगर पर है जो है नौगांव 42.5 डिग्री सेल्सियस, तीसरे पे है खजुराह 42.6 डिग्री सेल्सियस, रतलाम 42.2 डिग्री सेल्सियस, दमोहा में 42.5 डिग्री सेल्सियस, खंडवा में 42.1 डिग्री सेल्सियस। यानी कि पूरे देश भर में टॉप 10 में ये 6 शहर शामिल है जहां पर सबसे ज्यादा गर्मी रिकॉर्ड की गई है। यानी कि दोस्तों भारी गर्मी पड़ रही है मध्य प्रदेश में और अगले 2 दिनों के दौरान मौसम थोड़ा साफ भी रहेगा और भारी बारिश के संकेत भी जताए जा रहे हैं। खजुराह में, खरगोन में और नौगांव में और दमोहा में काफी ज्यादा जगहों पर तापमान में उतार चढ़ाव दर्ज किया जा रहा है और राजधानी भोपाल में भी काफी ज्यादा जगहों पर गर्मी से राहत मिलने के अनुमान जताए जा रहे हैं। और दोस्तों बताए जा रहे हैं कि इस वक्त उज्जैन में 38 और 37 के करीब तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है। 3 दिनों तक भारी बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी। वहीं दोस्तों आपको बता दूं अगले 24-48 घंटों के दौरान भोपाल में काफी ज्यादा जगहों पर मौसम बदल रहा है और खंडवा में जो है 39 के करीब तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है। और दोस्तों जो है 3 दिन तक जो है भारी बादल छाए रहेंगे और कहीं पर भी जो है गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। देवास में 4 दिनों तक 37 के करीब तापमान रहेगी, फिर थोड़ी गर्मी से राहत मिलने का अनुमान है। वहीं दोस्तों सार राजगढ़ में जो है 4-5 दिनों के दौरान जो है भारी से भारी बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी राजगढ़ मध्य प्रदेश में। और शाजापुर की बात करें तो शाजापुर में भी 4 दिनों तक 39 के करीब तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है जो कि काफी ज्यादा गर्मी है। दोस्तों सीहोर मध्य प्रदेश की बात करें तो पूरे 1 सप्ताह तक 39 और 40 के बीच तापमान रहेगा और 1 सप्ताह के दौरान बादल जो है ना काफी ज्यादा छाए रहेंगे। और रायसेन मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां पर 40 के ऊपर तापमान रिकॉर्ड किया जाने वाला है। पूरे 1 सप्ताह तक 41 के करीब तापमान रिकॉर्ड किया जाने वाला है। छिंदवाड़ा में दोस्तों 1 सप्ताह तक भारी बादलों की आवाजाही रहेगी और भारी से भारी गर्मी का प्रकोप रहेगा। इंदौर में दोस्तों 1 सप्ताह तक भारी बादल छाए रहेंगे और 2 दिन तक जो है फिर वापस राहत मिलने के अनुमान है। भोपाल में 1 सप्ताह तक दोस्तों 40 के ऊपर तापमान रहेगा, कई जगहों पर बादलों की आवाजाही रहेगी। कटनी मध्य प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान भारी बादल छाए रहेंगे और अगले 24 घंटों के दौरान कटनी में भारी से भारी बारिश के अनुमान जताए जा रहे हैं। जी हां दोस्तों भारी से भारी बारिश होगी। और मंदसौर की बात करें दोस्तों मंदसौर में जो है 3 दिन तक बादल छाए रहेंगे और उसके बाद फिर से राहत मिलेगी। दोस्तों दतिया मध्य प्रदेश की बात करें तो दतिया में जो है 1 सप्ताह तक 40 और 41 के करीब तापमान रहेगा, भारी बादलों की आवाजाही रहेगी और काफी ज्यादा गर्म मौसम रहने के अनुमान है। ग्वालियर मध्य प्रदेश की बात करें तो पूरे 1 सप्ताह तक ग्वालियर में 39 और 40 के करीब तापमान रहेगा और बादल तो दोस्तों काफी ज्यादा छाए रहने के अनुमान है। भिंड की बात करें दोस्तों भिंड में भी 1 सप्ताह तक 39 और 40 के करीब तापमान रहेगा और भारी बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी। और भिंड में दोस्तों इस समय भी जो है काफी ज्यादा बादल छाए रहेंगे लेकिन मौसम गर्म काफी ज्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। और दोस्तों बताया जा रहा है कि मौसम विभाग के मुताबिक जो है ना जिन जिलों में काफी ज्यादा मौसम बदलते नजर आने वाला है वो है जबलपुर, रीवा, शहडोल, ग्वालियर एंड चंबल संभाग के जिलों में तथा छतरपुर, पन्ना, दमोह, धार, उज्जैन, बैतूल, नर्मदापुरम, होशंगाबाद जिले में काफी ज्यादा बौछारें पड़ सकती है और भोपाल संभाग के में काफी ज्यादा जगहों पर भारी से भारी बारिश होगी भोपाल में अगले 24 घंटों के दौरान। दोस्तों अगर आप भोपाल में रहते हैं तो सच सच कमेंट करके बताना दोस्तों आपके यहाँ पर अभी बारिश हो रही है या नहीं। वहीं दोस्तों मौसम विभाग की माने तो दोस्तों बताया जा रहा है कि जो है मध्य प्रदेश में ऊपर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है और दोस्तों बताया जा रहा है कि काफी ज्यादा जगहों पर जो है भोपाल सहित अधिकांश इलाकों में भारी बारिश के अनुमान जताए जा रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो दोस्तों जबलपुर, रीवा, शहडोल, ग्वालियर एंड चंबल संभाग के